नमस्कार, आप देख रहे हैं lallantop.com। 19 अक्टूबर का दिन है और दशहरे का भी दिन है, और आज के दिन एक बहुत बुरी खबर हम सब पहुंची कि अमृतसर के जोड़ा फाटक के पास दशहरे का सेलिब्रेशन चल रहा था, रावण जलाया जा रहा था, और वहां पे बहुत सारे जो लोग जमा थे वो एक रेलवे ट्रैक पे खड़े थे और उनके ऊपर ट्रेन चढ़ गई। इस हादसे में अब तक के कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये डेड टोल बढ़ सकता है। इसके बारे में हमने एक लाइव पहले किया था जिसमें आपको इस घटना का बैकग्राउंडर दिया था। ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको उस कुंटल भर राजनीति के बारे में बता सकें जो इस हादसे के बाद से शुरू हो गई थी, लगभग तुरंत ही। राजनीति का एपिसेंटर है नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू जहां पे हादसा हुआ उस इलाके के एमएलए हैं, पंजाब गवर्नमेंट में हैं जो कांग्रेस के वहां पे है, और उनकी वाइफ जब हादसा हुआ उससे पहले जो वहां पे स्टेज था वहां जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें मौजूद थी। अब यहां पे दो वर्जन्स हैं, लोगों का ये कहना है जो वहां पे जुटे हुए थे उनका ये कहना है कि जब हादसा हुआ तब नवजोत वहां पे थी, उनके सामने हादसा हुआ, उन्हें हादसे की खबर पड़ी और वो जल्दी वहां से अपनी कार में बैठ के भाग गई। इसी तरह का एक वीडियो न्यूज़ वेबसाइट ANI ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और उसको हम प्ले करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह की बात लोग कर रहे हैं। जो आज हादसा हुआ कैसे हुआ बता दे, थोड़ा कैसे हुआ? यहाँ पे कुछ कांग्रेस के निजी जो है, यहाँ के कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा दशहरे का आयोजन बिना परमिशन, प्रशासन से परमिशन लिए बिना किया गया था, और नवजोत सिंह सिद्धू की धर्मपत्नी नवजोत कौर सिद्धू यहाँ पे मुख्य मेहमान थी, और एलईडी जो थी टीवी थे वो लाइनों की तरफ लगाए गए थे कि लोग लाइनों की तरफ ही देख रहे थे, दशहरा खड़े होकर वो एलईडी से। जब रावण को अग्नि भेंट की गई तो उस समय लोग इधर की तरफ भागे और ऊपर से ट्रेन आ गई, और ट्रेन जो है वो ट्रेनों के कारण हजारों लोग जो है, लाख सैकड़ों लोग जो है वो ट्रेन के नीचे आ गए। आज इतना शर्मनाक हादसा है, इतना वो लज्जाहीन हादसा कि मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे जो लोग थे जो त्यौहार मनाने आए थे अपने घर के अंदर, घर के बाहर आए थे त्यौहार खुशियां मनाने आए थे, आज वो गम लेकर जा रहे हैं। मैं समझता हूँ एक तो प्रशासन जिन्होंने बिना मंजूरी यहाँ पे दशहरा कर दे दिया, और दूसरा वो स्थानीय नेता कांग्रेस के जिन्होंने बिना मंजूरी बिना इजाजत लिए यहाँ पे दशहरा किया, और जब लोग यहाँ पे मर रहे थे ट्रेन के नीचे आ गए तो नवजोत कौर सिद्धू यहाँ पे भाषण दे रही थी, उन्होंने लोगों के साथ यहाँ पे लाशें उठाने की जहमत नहीं उठाई और यहाँ से भाग गए। ये एक बेसिक आरोप है जो नवजोत कौर पे लग रहा है लगातार, और ये भी कहा जा रहा है कि दशहरे का जो प्रोग्राम हो रहा था वो कांग्रेस की तरफ से आयोजित किया गया था। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी जो हम अभी दे सकते हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब वहाँ पे कार्यक्रम हुआ तब वहाँ पे उस कार्यक्रम में शिरकत करने नवजोत कौर सिद्धू आई थी, क्या उनके रहते या हादसा हुआ ये अभी फिलहाल साफ नहीं। तो जो सोशल मीडिया पे काफ़ी पैशन के साथ जो चीज़ें लोग लिख रहे हैं कि वो भाग गई या उनके रहते हादसा हुआ, उन्हें फिलहाल जो पक्की डिटेल्स है उसके आने का इंतजार करना चाहिए। नवजोत कौर ने अपना पक्ष भी रखा है, उन्होंने वो बाद में टेलीविजन पे भी आई, उन्होंने बाद में ये कहा कि जब हादसा हुआ तब उससे पहले वो अपने कार में बैठ के निकल गई थी उन्हें, और उन्हें रास्ते में ये मालूम चला कि हादसा हुआ है, और हादसे की जानकारी के बाद वो जगह पे भी गई, जो उस हॉस्पिटल में भी गई जहाँ पे घायलों को रखा गया है। पुलिस प्रशासन था और इतना ऑर्गेनाइज था कि समझ ही नहीं आया। अब बता रहे हैं कि रेलवे वाले ने ना तो ट्रेन आहिस्ता की, और पता नहीं ये लोग ट्रैक पे खड़के सेल्फियां ले रहे थे, समझ ही नहीं आई बात क्या हुआ, क्योंकि बड़े आराम से प्रोग्राम खत्म हुआ, गाड़ी में बैठे मैं निकली, 15 मिनट बाद मुझे फोन आता है कि वहाँ पे मैडम ऐसा हो गया। पे राजनीति करने की जरूरत है, हर साल वहाँ पे दुशहरा होता है और इस पे हमने बिठाया उनको किसी को ट्रैक पे, या हमने ट्रेन उनके ऊपर चढ़ाई, हमारे इलाके के लोग हैं, हम मर रहे हैं उनके लिए, तड़फ रहे हैं, हमारा गला बैठ गया है ढूंढ ढूंढ के कि हम इनको बचाएं, कुछ इनका कर पाएं, जैसे शुरू से करते हैं। ये उनको शोभा देता है जब उनकी स्टेज लगती थी वहां पे, हर साल वहीं दुशहरा होता था ना, तो वहीं पे अकाली दल, वहीं पे सारे, वहीं पे दुशहरा मनाते थे, तो भगवान ना करे ऐसा इंसिडेंट कभी किसी के साथ ना हो। इसके अलावा अब ये तो एक शेड ऑफ पॉलिटिक्स हुआ है जिसमें नवजोत कौर को घेरने की कोशिश की गई, दूसरा शेड ऑफ पॉलिटिक्स वहां भी दिखा जहां पे कई लोगों ने इस बात को बहुत हाईलाइट किया कि जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेल राज्य मंत्री हैं मनोज सिन्हा, ये दोनों हिंदुस्तान से बाहर हैं और इतने जब उनकी ज़रूरत है उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड इतना बड़ा हादसा हुआ है तो वो हिंदुस्तान के बाहर है। बाद में क्लैरिटी हुई कि पीयूष गोयल किसी कार्यक्रम, उनका पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था उसके लिए US में है, अब लौट रहे हैं हिंदुस्तान, और मनोज सिन्हा हिंदुस्तान में ही हैं। जब हमने पिछला लाइव किया था 8:30 का टाइम था मेरे ख्याल
9:30 माफ कीजिएगा, तब मनोज सिन्हा उसे थोड़ी ही देर पहले लाइव टीवी पर आए भी थे और उन्होंने रेलवे का पक्ष रखा था। एक बात जो बहुत सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही है इसको लेकर, ट्विटर पे भी काफी शोर हुआ कि मनोज सिन्हा सो रहे थे, तो ये जो सोने वाली बात है वो कहाँ से आती है वो मैं थोड़ी सी आपको क्लियर कर देता हूँ। हुआ ये था कि जब जब हादसे की खबर लगी प्रशासन को और ये मालूम चला कि पीयूष गोयल तो तुरंत नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो देश से बाहर हैं, तो जो उनके डिप्टी हैं मनोज सिन्हा उनको घटनास्थल पर भेजने की बात हुई और इसके लिए इस तरह की बात मीडिया तक पहुंची कि हो सकता है कि एक विशेष विमान उनको दिल्ली से लेकर के अमृतसर लेके जाए या फिर वो प्लेन एयरफोर्स का हो। तो जब मीडिया से लोग वहां पे जुड़े और एयरपोर्ट एस्टेप पे पहुंचे और कुछ लोग मनोज सिन्हा के घर के बाहर पहुंचे वहां पे, और वो उस प्लेन को दिल्ली से उड़ान बननी थी 10 बजे और 9 बजे के करीब रिपोर्टर्स वहां पे थे और तब उन्होंने पूछा कि साहब कहां पर हैं, उनका कुछ बाइट वगैरह वो लेना चाहते होंगे, तब उनसे ये कहा गया कि सिन्हा साहब सो रहे हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ये हम नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया, लेकिन मनोज सिन्हा थोड़ी देर पहले टेलीविजन पे आए थे। तो अगर आप इस बात को लेकर के थोड़े सशंकित हैं कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद आपके रेल राज्य मंत्री सो रहे थे, तो ये मालूम होने तक भी आप थोड़ा इंतजार कीजिए कम से कम सोशल मीडिया पे कुछ डालने से पहले कि एग्जैक्ट डिटेल्स क्या थी। अब एक चीज़ और जो जिसके ऊपर जो इससे थोड़ी सी आप ये कहिए कि वियर ऑफ हमको होना पड़ेगा, लेकिन इस हादसे के बाद जो जिस स्पीड से पॉलिटिक्स हुई है उसको समझने के आपको एक आइडिया मिलेगा और उसकी जड़ है नवजोत कौर सिद्धू का, नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ होना। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय हुआ नहीं है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का शपथ ग्रहण समारोह होना था, तो हिंदुस्तान से जितने लोगों को दावत दी गई थी उसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी थे, पूर्व क्रिकेटर हैं और उन्होंने साथ में गेम खेला भी हुआ है, तो बहुत सारे लोग तो नहीं गए, अपनी अपनी उन्होंने वजह दी, नवजोत सिंह सिद्धू गए और वहाँ का एक वीडियो खूब वायरल हुआ कि उस फंक्शन में जब सिद्धू थे तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं बाजवा, जनरल बाजवा, उनसे उन्होंने हाथ भी मिलाया, गले भी मिले और शायद उनके बाजू में बैठे भी। अब वो उतना वीडियो निकाल करके टेलीविजन पे लूप पे खूब चला और लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन किया कि जब LOC पे जवान मर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी वहाँ से पाकिस्तान से ड्रग्स ऊपर से चढ़ के हिंदुस्तान आ जाती है, लोग फेंकते हैं वहाँ से और इतने सारे इशूज़ हमारे चल रहे हैं, तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ के आर्मी चीफ से गले मिलना था, हाथ मिलाना था और बाजू में बैठना था? सिद्धू ने अपने डिफेंस में जो कहना था उन्होंने तब कहा था, उन्होंने कहा था कि किसी कार्यक्रम में किस किस को बुलाया जाता है ये भी मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं और भाई मुझे जहां जगह मिली वहां मैं बैठ गया। लेकिन बात यहां ख़त्म नहीं हुई इसी चीज़ को, बात वहां तक गई जब सिद्धू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि पाकिस्तान में वो जो गए हैं और जो उनकी वन ऑन वन डिप्लोमेसी हुई है उसके नतीजे में शायद करतारपुर जो कॉरिडोर है उसको खोलने की तरफ बात आगे बढ़े पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी, और इसको लेके जो सिख कम्युनिटी है और खासकर जो पंजाब की पूरी पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी, आप ये कहिए कि काफ़ी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं क्योंकि करतारपुर में ऐसा कहा जाता है कि पहला गुरुद्वारा था और वहाँ क्योंकि वो LOC के, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार है, इसीलिए जो श्रद्धालु हैं हिंदुस्तान के यदि उन्हें वहाँ जाना होता है तो उसके लिए उनको एक बहुत लंबी कार्रवाई करनी पड़ती है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जब वीज़ा अप्रूव होता है उसके बाद ही वो वहाँ जा सकते हैं। इसीलिए बड़े समय से पंजाब में मांग थी सिख कम्युनिटी की भी और बाकी लोगों की भी कि वहाँ पे एक वीज़ा फ्री बॉर्डर बना दिया जाए और वही करतारपुर कॉरिडोर है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका श्रेय पंजाब में जिसको मिलेगा उसको वोट भी मिलेंगे, तो और इन सारी चीज़ों के ऊपर एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा अगर आप, अगर मैं आशीष ने जो मुझे बताया था वो दोबारा बता देंगे आपको। तो आशीष आपने जो आप मुझे पहले बता रहे थे कि करतारपुर की पॉलिटिक्स क्या है, तो बेसिकली अभी नवंबर में गुरु नानक देव की 550वीं जयंती मनाई जाने वाली है, बस इसी साल, हाँ इसी साल नवंबर में, एकदम हॉट हो रखा है। हाँ, और सारा यही है कि कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार है और अगर ये सिद्धू अपना ये क्रेडिट ले पाते कि हाँ मैंने ये गुरुद्वारे के लिए कॉरिडोर खुलवाया, तो सारे जो सिखों का जो इमोशनल अटैचमेंट है, क्योंकि सीन ये है कि जो बॉर्डर है वो वहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, तो आप मतलब चौकियों से ऐसा होता है कि दूरबीन से आप देख सकते हैं उस गुरुद्वारे को देख सकते हैं। अच्छा। और आप जा नहीं सकते, तो ये चीज मतलब बुरी लगती है, इमोशनल लेवल पे बहुत ये करती है कि जो मैं देख सकता हूँ पर जा नहीं सकता। हाँ। तो यही है कि अब ऐसा मौका आ गया है कि मतलब जयंती है इतनी पास और इतने सालों बाद,
तो ये है कि जो भी कर गया वो अपने नंबर बना ले जाएगा, तो इसी को जोड़ के ये सब हो रहा है। अच्छा, और इसके लिए वो MEA में मिले भी थे मेरे ख्याल सुषमा स्वराज से। हाँ, सुषमा स्वराज से मिले थे। हरसिमरत कौर ने बताया कि उनको कुछ डांट भी पड़ी थी, ऐसा कुछ हुआ, एक चिट्ठी भी सामने आई थी जिसमें ये था कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा ऑफिशियली कहीं कुछ नहीं है। ये उस दौरान की बात है जब 7 सितंबर को उनने किया था अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इसके बाद ये शायद 25 के आसपास की बात है, कभी 25 तो तब उन्होंने ये कहा कि ऐसा ऑफिशियली कुछ नहीं है, ये अपने से बातें कर रहे हैं। मतलब इस पे सिद्धू फंस गए इस मुद्दे पे कि ऑफिशियली कुछ नहीं है, आप अपने से बता रहे हैं नंबर बनाने के लिए। और बहुत कम वक्त बीता है कि सिद्धू की वाइफ अब एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में फंस गई हैं। एक बहुत गंभीर हादसा हुआ है जिसमें दोनों साइड्स हैं, पंजाब की सरकार भी है क्योंकि उनकी उनके एरिया में हादसा हुआ, और दूसरी चीज़ इंडियन रेलवेज भी इन्वॉल्व है, जो कि जिसका कि हिसाब किताब केंद्र देखता है। हाँ, एक्सीडेंट पे अब हम चले जाते हैं। मैं एक चीज़ और जो मैं बताने वाला था वो ये कि हम उस चीज़ से उसको कनेक्ट कर रहे थे कि करतारपुर की जो पॉलिटिक्स है वो अब यहाँ आ गई है इस एक्सीडेंट के बाद में, जो नवजोत कौर सिद्धू को घेरा जा रहा है उसमें। एक चीज़ और जो ज़्यादा ज़रूरी है जिसको हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि ये आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं अमृतसर में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कोई परिचित दोस्त भाई या कोई भी इस हादसे में हताहत हो सकते हैं, तो जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर कॉन्टैक्ट करने के नंबर हैं 01832223171, और एक और नंबर है 01832564485। इन नंबरों पे आप कॉल करके देख सकते हैं। एक चीज़ जो हमने पिछले बार भी कही थी और इस बार भी दोहराएंगे कि यदि आपका इस हादसे से सीधा संबंध नहीं है, आप अथॉरिटीज़ के किसी काम भी नहीं आने वाले हैं, तो इन नंबरों पे फ़ोन ना करें। इस नंबर पे बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग फ़ोन कर रहे होंगे और उनका फ़ोन लग नहीं रहा होगा क्योंकि दो ही नंबर हैं, है ना। और यदि आप इस हादसे से किसी तरह जुड़े हुए नहीं, तो आपको घटनास्थल या इस अस्पताल जाने से भी बचना चाहिए। यदि आप मदद नहीं करवाने वाले हैं, तमाशबीनों की जो भीड़ होती है उसके वजह से बहुत नुकसान होता है प्रशासन का, उनको ज़्यादा इंतजाम करने पड़ते हैं, उनके काम में अड़चन होती है। ज़्यादा डिटेल्स का इंतज़ार कीजिए। ये सारी डिटेल्स लल्लनटॉप आज रात में भी और कल सुबह से लेकर दिन भर आपसे बांटता रहेगा। उस सब के लिए आप हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आ सकते हैं। फिलहाल की जानकारी यही है। बहुत बहुत शुक्रिया।